बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का मैं एक न्यू वीडियो लेके हाजिर हो गई हूँ। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है। आपको लोकेशन, प्राइस एंड जो भी वैरायटी है वो सब अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने स्किप करके देखा या फुल स्पीड पे देखा तो मुझे पता चल जाता है, क्योंकि इस तरह के लोग जो होते हैं स्किप करके देखते रहते हैं, बाद में वो मुझे कमेंट करके लोकेशन, प्राइस ये चीज़ें बार बार पूछ रहे होते हैं। तो अगर जो स्किप करने वाले हैं तो वो कमेंट ही ना करें, ठीक है? और जो स्किप करके नहीं देखते उनका दिल से शुक्रिया। अच्छे तरीके से आप मुझे सपोर्ट करें, बस मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं आप लोगों की जो रिक्वेस्ट होती है वो पूरी करती हूँ और अपनी तरफ से अच्छा आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसी तरीके से आज हम दोबारा से एक वीडियो लेके हाजिर हैं जी। इसमें आपको मैं वैरायटी जो दिखा रही हूँ, इसमें हील्स भी हैं, आपको फ्लैट्स भी दिखा रही हूँ और समर वैरायटी भी आपको इसमें सारी टोटल जो है मैं समर वैरायटी ही दिखा रही हूँ इसमें। अच्छा, अब ये जो है ये H9 में नहीं था, ये खैवानी सर से, ये रावलपिंडी में, अगर आप मैप करते हैं या गूगल पर सर्च जो करते हैं आपको ईजिली मिल जाएगा। खैवानी सर सैद रावलपिंडी ये अपोजिट आता है, आइटम के सेक्टर के बिल्कुल अपोजिट है, उसमें मेन मार्केट में ये शॉप है। ये डिजीलैंड स्कूल के बिल्कुल सामने एक बना हुआ है, कह लें ग्राउंड टाइप के ऊपर वो सारी लंडे की शॉप्स बनी हुई है इनकी। मैं पहले विंटर में भी काफ़ी कलेक्शन कवर की थी। लोकेशन आई होप आप लोगों को क्लियर होगी, अगर नहीं क्लियर हुई है आप खैवानी सर सैद रावलपिंडी करके सर्च कर लें। और इसका मेन चौक आता है घोड़े वाला चौक, आई थिंक वो कहलाता है, उधर से इंटर होंगे, इंटर होके लेफ्ट साइड पे ये मार्केट आती है, डिजीलैंड स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है? ये आई थिंक इतना लोकेशन क्लियर मैंने कर दिया अच्छे तरीके से, इतना डिटेल में समझा दिया है। तो यहाँ पे ये मैंने सिर्फ 2 से 3 शॉप्स की जो वीडियो है कवर की थी, तो छोटी सी वीडियो है। इसमें मैं आपको समर वैरायटी प्लस यहाँ पे आपको हील्स की कुछ वैरायटी शो कर रही हूँ, क्योंकि इनके प्राइसेस भी काफ़ी मुनासिब थे। लाइक इनके भी 500-500 से ऊपर नहीं ये बता रहे थे, बहुत ही मुनासिब रेट में ये सारे आपको शूज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक तो प्राइस इनकी मुनासिब थी, ऊपर से इनके पास वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर किया है। अच्छा, प्राइस रेंज की मैं बात बताऊँ, अगर आपको यहाँ पे 500 खुद बताए थे, 500-600 से ऊपर बता ही नहीं रहे थे, अगर आप थोड़ा बहुत कराए तो 400 में भी आपको मिल जाए, और अगर थोड़ी बहुत कंडीशन ऐसी हो जो बिल्कुल फ्रेश ना हो आपको मे बी 300 में भी मिल जाए। यहाँ पे आपको प्राइस रेंज काफ़ी अच्छी मिल रही है, कंडीशन भी ठीक है सारे शूज़ की, और वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। वैरायटी तो मैं हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके दिखाऊँ। रेट्स काफ़ी ज़्यादा मुनासिब थे और डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इनके पास मौजूद थी, मुझे इतने ज़्यादा यहाँ पर शूज़ पसंद आए। लेकिन लंदन में एक जो बहुत मेन प्रॉब्लम आता है वो आपके साइज़ का आता है, स्पेशली उनका साइज़ जो जिनके लाइक मेरा अगर 8 साइज़ है तो वो मेरा पाँव थोड़ा सा हेल्दी होने की वजह से मुझे अक्सर नहीं आता 8, क्योंकि यूजुअली सबका 8 ही होता है, 7-8 आपको कम ही मिलते हैं, ज़्यादातर आपको 9 मिल रहे होते हैं या 6 मिल रहे हैं, इस तरह के नंबर्स मिलते हैं जो मुझे नहीं आते हैं। इतनी प्यारी प्यारी वैरायटी होती है, अक्सर मैं वो छोड़नी पड़ती है मुझे, क्योंकि वो मेरे साइज़ के नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत अगर बड़ा होता है मैं ले लेती हूँ, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर छोटा हो तो वो तो मैं ले ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने ज़बरदस्ती की हुई है उस शूज़ के साथ। यकीन माने बड़े लकी होते हैं वो लोग जिनके पाँव छोटे छोटे से होते हैं और स्लिम स्लिम से होते हैं, उनको कोई भी शूज़ आ जाता है। मेरी सिस्टर है, उसका यह है कि स्लिम है पाँव, मेरे फ्रंट से जो है वो बोन्स काफ़ी ज़्यादा लाइक चौड़ी सी हैं, तो वो मुझे फ्रंट नहीं आता। यूजली यही होता है कि वो पाँव का जो फ्रंट है वो मुझे नहीं आता, बाकी शूज़ आ रहे होते हैं। लेकिन अब क्या ऐसे ज़बरदस्ती वही अगेन लगता है कि इवन कि मेरी सिस्टर्स मुझे कहती हैं कि ऐसे लगता है किसी बहन ने शूज़ में पाँव डाला हुआ है, तो ज़बरदस्ती करने के बजाय फिर मैं उस शूज़ को छोड़ देती हूँ, चाहे मुझे जितना भी अच्छा लग रहा हो। लेकिन यह है कि मुझे इस साइज़ का काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है। स्पेशली ना वो जो हील्स आती हैं फ्रंट से बड़ी स्लिम स्लिम सी होती हैं, बड़ी उनकी प्यारी सी उनकी ना बनी हुई होती है, वो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मेरा आपको मैंने बताया ना कि मेरा फ्रंट साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, जिसकी वजह से मुझे जो फ्रंट जो वाइड वाले होते हैं वही लेने पड़ते हैं। जिनके स्लिम पाँव होते हैं वो कोई भी डिज़ाइन पहन लें, अब स्पेशली ये चीज़ होती है जिसके पास जो चीज़ नहीं होती ना उसको वही चीज़ अट्रैक्ट करती है। अब मेरा पाँव ज़्यादा ही पड़ता है, थोड़ा सा हेल्दी है, जिसकी वजह से मैं वो स्लिम वाले शूज़ पहन नहीं सकती। अब मुझे वो शूज़ बहुत अट्रैक्ट करते हैं, पता नहीं क्यों बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अब जो स्लिम पाँव वाले हैं वो वाइड वाला भी पहन सकते हैं, आप स्लिम वाला भी पहन सकते हैं,
ये इनके पास बेनिफिट होता है जो हमारे पास बेनिफिट नहीं है। अच्छा यहाँ पे मुझे नाम नहीं आते उन शूज़ को क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को समझ तो आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी वैरायटी तो मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था, इनके पास काफ़ी ज़्यादा समर वैरायटी इन सारी हर जगह तो ऑलमोस्ट डिस्प्ले हो चुकी है समर वैरायटी। अब यहाँ पे खैवान सरसैद में जो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ वीडियो, ये खैवान सरसैद की है। यहाँ पे 3 से 4 शॉप्स हैं, यहाँ पे भी आप कह लें 1, 2, 3 करके इस तरह रोज बनी हुई है, 3 से 4 रोज हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं जहाँ पे आपको स्पेसिफिकली लंडा मिल जाता है। और वहाँ पे सारी अभी समर वैरायटी इन्होंने डिस्प्ले कर दी है, इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी प्लस काफ़ी मुनासिब वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ड्रेसेस की भी है, समर में इनके पास स्पेशली जो एरिया है वहाँ पे कर्टन्स बेडशीट्स इस तरह की वैरायटी आपको ज़्यादा मिलती है। इंशाल्लाह उसकी वैरायटी मैं दोबारा से कवर करूँगी, मैंने विंटर में भी एक कवर की थी लेकिन इंशाल्लाह मैं दोबारा से कवर कर दूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पे कर्टन्स की वैरायटी देखी थी और बहुत ही मुनासिब। उसके अलावा मैंने विंटर में जो चीज़ नहीं देखी थी वो थे अबाए। अब समर में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अबाया की वैरायटी लगाई हुई है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि अबाया कवर करें क्योंकि यहाँ पे इनके पास दुबई से इस तरह जो यूज्ड अबायाज हैं वो आए हुए हैं, आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह वो भी कवर कर लूँगी क्योंकि मुझे अच्छी लगी थी, काफ़ी वैरायटी इनके पास मौजूद थी, इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। बाकी यहाँ पे छोटा सा व्लॉग मैं आपके लिए लेकर आई थी, छोटा तो नहीं कहेंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, मैं इसमें आपके समर वैरायटी जितनी थी मैंने एक एक करके पिक नहीं किए क्योंकि रात हो चुकी थी। बाकी आई होप आप लोगों को जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है क्लियर हुई है और जो वैरायटी थी वो मैं दिखाना चाहती थी वो आपको समझ आई है। लोकेशन, वैरायटी एंड प्राइसेस तीनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं यहाँ पे, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग पूछेंगे जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है, जो स्किप कर करके आगे चले जाते हैं वो ना पूछें। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।